हेलो दोस्तों, हमारे पास है आज सैमसंग M31S। इस सेट में जो प्रॉब्लम है वो है रीस्टार्ट की। सेट ये हैंग होता है और उसके बाद रीस्टार्ट हो जाता है। फिलहाल ये वर्किंग कंडीशन पे है, सेट पूरा ऑन है, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे तो ये हैंग होएगा और उसके बाद ये रिस्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी बार ये सैमसंग लोगों पर अटक जाता है और काफ़ी देर तक अटका भी रहता है, उसके बाद ये पूरा चालू हो जाता है। बट यूज़ करने की कंडीशन में अभी ये नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ये रिस्टार्ट होता रहता है। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम आती है ये इसके प्रोसेसर से आती है। डबल डेकर सीपीयू इस पे लगा है। हम इसके सीपीयू को रिबोल करेंगे और उसके बाद ये सेट बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। ये इस सेट का मदरबोर्ड है और ये जो हिस्सा है यहाँ इस जगह पे इसका सीपीयू लगा होता है। ऊपर की साइड यूएफएस है, इस साइड इसकी चार्जिंग की आईसी और कंप्लीट सेक्शन उसका। तो सबसे पहले हम इस सील को यहाँ से कट करेंगे ताकि सीपीयू को हम उतार सकें। ये जो ब्लैक टेप है ये हीट सिंक का काम करती है। सबसे पहले थोड़ा सा हीट करके हम इसको अलग करेंगे। ये इस जगह इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, तो हम ये जो सील्ड है इसको इस जगह से और इस जगह से कट मारेंगे इस पे, और इतना हिस्सा इसका काट के अलग निकाल देंगे। हम इसमें पूरी सील को नहीं उतारने वाले, सिर्फ इतना ही टुकड़ा।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने सीपीयू की जो है ग्लू कटिंग की है। चारों तरफ इसके जो भी ग्लू है हमने उसको कट कर लिया है और अब इस सीपीयू और रैम को हम एक साथ में ही बाहर निकालेंगे, अलग नहीं करेंगे, अलग उसके बाद अलग करेंगे, पहले एक साथ बाहर निकालेंगे इसको। सीपीयू को निकालते हुए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि हमें बिल्कुल भी इस पे फोर्स नहीं लगाना, ताकत बिल्कुल भी नहीं लगानी है। काफ़ी सारे जो प्रिंट्स यहाँ आप देख रहे हैं, कुछ डैमेज दिख रहे हैं, ये सारे प्रिंट्स इसमें डमी होते हैं। स्मोक एब्जॉर्बर को हम पहले अभी ऑन कर लेते हैं, काफ़ी सारा इसमें से स्मोक निकलेगा जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक भी है। इसमें से अभी जो भी धुआं निकल रहा है सारा एक पाइप के ज़रिए यहाँ से बाहर चला जाएगा।
जी हाँ, अभी काफ़ी सारी पेस्ट इसमें बची हुई है, हमें धीरे धीरे इसको क्लीन करना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करनी। आप यहाँ जल्दबाजी करते हो और कुछ दो चार पॉइंट अगर आपके डैमेज हो जाते हैं तो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा जल्दबाजी करने का, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन में अप्लाई करते रहेंगे साथ साथ में और इसको क्लीन करते रहेंगे। बिल्कुल आराम से ये सब निकल जाएगा इसमें से। कोई स्पेशल सॉल्यूशन हमारे पास ये नहीं है, ये ग्लू रिमूवर है जो मैं इस पर डालता हूँ, इससे इजीली साफ हो जाता है। पेस्ट को हम सारी जगह पे फैला देते हैं। अब डी शोल्ड वायर से हम जो जितना भी एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको निकालेंगे और पूरा सरफेस एक लेवल पे ले आएंगे। स्मोक आप देख सकते हैं इसमें से कितना निकल रहा है, इस स्मोक से खुद का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्मोक एब्जर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ एक्स्ट्रा फैन लगा के इसको एक साइड नहीं निकाला है, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है। मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें सारे यंग होते हैं, यहाँ अच्छे स्किल की ज़रूरत होती है और ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली इसमें सारे यंग ही होते हैं। वो लोग इस स्मोक पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आने वाली अगली 5 से 10 साल बाद ये उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसमें से लगभग सारा शोल्डर है वो निकल चुका है, एक आध जगह इस पे पेस्ट बची हुई है। इस अपॉक्सी को हम धीरे धीरे हर जगह से इसको क्लीन कर देंगे, जब इस पे हम सीपीयू लगाएं तो बिल्कुल आराम से लग जाए, कहीं भी ऊंचा नीचा ना रहे, किसी भी कॉर्नर में अगर थोड़ी बहुत पेस्ट ये बच जाती है, अगर ये अपॉक्सी बच जाती है तो सीपीयू को ठीक से नहीं लगने देगी।
आपका सेट है वो कामयाब नहीं हो पाएगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा उसको। कुछ एक आध जगह से थोड़ा हल्का फुल्का इसका जो पेंट उखड़ चुका है उसको भी हम यूवी से कवर कर देते हैं। देखिए इस जगह से जैसे कुछ पेंट निकला हुआ है, ऐसा अक्सर हो जाता है पेस्टिड आईसी को निकालते हुए। बाकी हर जगह लगभग ठीक है या थोड़ा सा है। और इसको अभी सुखा देते हैं लाइट से। जब तक ये सूखता है वैसे तो ये टाइम नहीं लेगा, 5-10 सेकेंड मुश्किल से इसको लगेंगी। हम अपनी अगली प्रोसेस पे बढ़ते हैं फिर। अब हमें सीपीयू साइड को क्लीन करना है। हल्के हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ज़्यादा देर इसके ऊपर नहीं रगड़ेंगे इसको। कुछ जगह शोल्डर है मोटा मोटा सब निकाल लेते हैं। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देते हैं। सब एपोक्सी की और शोल्डर दोनों की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे।
इसमें से सारी ग्लू हमें निकालनी है। प्रोसेस वही सीपीयू वाली है जो इस तरह से हमने मदरबोर्ड को क्लीन किया है। धीरे 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 बिल्कुल टाइम से और हल्के हल्के हाथ से जो प्रिंट्स हमारे इसमें कुछ डल पड़ चुके हैं, जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं वो सारे अभी तैयार हो जाएंगे। एक एक करके हम उस पर शोल्डर से प्रिंट को तैयार कर देते हैं। इसमें प्रिंट कोई फटा नहीं है, डैमेज कोई भी नहीं है। कुछ है इसमें 8-10, अगर इस तरह के ब्लैक हेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका भी है जिससे हम उसमें बहुत फास्ट उसकी रिकवरी कर सकते हैं। बट यहाँ इतना कुछ मेरे को नहीं लगता कि करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल प्रिंट्स है, सारे के सारे जो प्रिंट है बिल्कुल ओके है। चलिए दोस्तों फिर एक बार आगे बढ़ते हैं।
सीपीयू साइड हमने क्लीन कर ली है और इस पे अभी तक रैम लगी हुई है, तो अब हम रैम को अलग करेंगे। सीपीयू को हमें स्टैंडिंग पोजीशन में एडजस्ट करना है। और फिर इसको हम धीरे धीरे हीट करके दोनों के बीच में स्क्रैपर डालेंगे और इसको अलग कर देंगे। थोड़ा स्क्रैपर को पहले मैं क्लीन भी कर लेता हूँ। शोल्डर जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा हम स्क्रैपर इसमें घुसा देंगे। ये रैम है और ये इसका सीपीयू है। सीपीयू को पीसीबी होल्डर में फिट करने के बाद हम इस सरफेस को क्लीन करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक बीच में कट बनाया हुआ है, ये सी है, ये बड़ी सी है और इस साइड ये छोटी सी है। बड़ी सी है वो टोटल ही ग्राउंड है, इस सरफेस को हमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो छोटी सी है उसमें सारे पॉइंट्स इस छोटी सी में ही है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके रिमूव करना है। थोड़ी सी फ्लक्स पेस्ट, और फिर इसकी डिसोल्डरिंग। और उसके बाद इसके ऊपर ये सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे ताकि हमने जो फ्लक्स स्पेस इसमें डाली है वो निकल जाए और जो भी डस्ट है वो भी बाहर आ जाए। और इस ब्रश से इसको थोड़ा क्लीन कर देंगे तो जो भी इस पे एपॉक्सी बची हुई है वो भी हमारी निकल जाएगी। वैसे काफ़ी सॉल्यूशन है जो मार्केट में आए हुए हैं, कुछ ऐसे लिक्विड आते हैं जिसमें हम सीपीयू को डिप करके रखेंगे तो जो इसमें एपॉक्सी बची हुई है इन होल्स के बीच वो सब अपने आप बाहर आ जाती है, तो वो थोड़ी टाइम वाली प्रोसेस है, आप वो भी कर सकते हो। मेरा हाथ बस इसी में बैठा हुआ है, उसमें आपको 10 से 15 मिनट इस पर डिप करके रखना पड़ता है।
जो भाई नए हैं सीख रहे हैं उनके लिए वो लिक्विड काफ़ी हेल्पफुल है। ये छोटी सी को हमने क्लीन कर लिया है, सारे होल्स इसके बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हम रिबोन कर देंगे। सीपीयू हमारा दोनों साइड से क्लीन हो चुका है, रैम साइड और सीपीयू इंटरनल साइड। तो इसके बाद ये रैम है और अब हम इसको साफ कर लेते हैं, फिर इन सबको रिबोन करेंगे। रैम बिल्कुल इजीली क्लीन हो जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि मोस्टली जो अपॉक्सी है वो सीपीयू के ऊपर ही रह जाती है। दोस्तों हमारी रैम ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और सीपीयू का रैम पार्ट ये भी क्लीन हो चुके हैं। अब हम इनको रिबॉल करेंगे। रिबॉल में सीपीयू का जो रैम पार्ट है, सबसे पहले सीपीयू का रैम पार्ट हम रिबॉल करते हैं और उसके बाद में मेन सीपीयू को रिबॉल करते हैं। और अकेली जो सिंगल रैम है इसको आप आगे पीछे कभी भी कर सकते हो, लेकिन हमें सीपीयू की रिबॉलिंग में ये खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले सीपीयू का रैम पार्ट ही रिबॉल करेंगे। तो ये जो रैम है इसको हम बाद में रिबॉल करते हैं, वो सबसे पहले हम उठाते हैं सीपीयू और सीपीयू का रैम पार्ट। इसमें पीपीटी को हमें अच्छी तरह से फिल करना है पूरा दबा के। अगर हम इसमें दबा के नहीं भरेंगे और कोई होल में पीपीटी कम रह जाती है तो वो बॉल हमारी छोटी बनेगी, उसके बाद हम इस पर रैम लगाएंगे तो सेट हमारा चालू नहीं होगा। थोड़ा गला आज मेरा खराब है। इसमें पीपीटी भरने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा पीपीटी है उसको हटा देते हैं। थोड़ा सा इसको दबा के चलाएंगे तो पीपीटी और अंदर तक बैठ जाएगी और एक्स्ट्रा जितनी भी है सब बाहर निकल जाएगी।
जो इस साइड जो बड़ी सी है थोड़ी हल्की फुल्की पीपीडी हम उस पर भी लगा देते हैं, ताकि जब इस पर हम रैम लगाए तो उसका बैलेंस है वो बना रहे। इसको अच्छी तरह से रिबोल करना तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर रैम की बैलेंस के लिए हमें इसको थोड़ा सा बना लेना। पीपीडी अच्छी तरह से इसमें भरने के बाद हम इसको हीट करके सारे बोल्ट्स को तैयार करेंगे। ये काम हमारा फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए। अब हमें इसके मेन सीपीयू को रिबोल करना है। कई बार फर्स्ट टाइम में ये अच्छी तरह से रिवॉल्व नहीं हो पाता है, तो इसको सेकंड टाइम में रिवॉल्व कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से रिबोल हो चुका है पहले अटेम्प्ट में। अब हमारी बचती है रैम। ये हो गई फिट, और इसमें भर देते हैं पीपीडी। छोटी सी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार करनी है।
ये भी फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छी रिवॉल्व हुई है, सारे बॉल इसके एक ही लेवल में, कोई छोटा बड़ा नहीं है इस पे। देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड क्लीन हो चुका है, सीपीयू क्लीन होके दोनों साइड से रिवॉल्व हो चुका है और रैम क्लीन होके भी ये भी रिवॉल्व हो चुकी है। अब टाइम है इनको वापस लगाने का, तो सबसे पहले हम सीपीयू को लगाएंगे और उसके बाद हम इस पे रैम लगाएंगे। सीपीयू को लगाने के लिए हम सीपीयू को पहले फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे। सीपीयू पे हमने फ्लक्स पेस्ट लगा ली है, अब इस पे फैला देते हैं इसको थोड़ा। इस पे कुछ एक्स्ट्रा पेस्ट है उसको निकाल देंगे पहले बार। मदरबोर्ड पे इसको बिल्कुल इसकी सही लोकेशन में फिट करेंगे। इस छोटी सी पे भी हम रैम साइड भी थोड़ी सी पेस्ट लगा लेते हैं। कोई बॉल बाय चांस कहीं भी लूज अगर रह गई है तो वो भी पकड़ में आ जाए। सीपीयू को पहले हम बिल्कुल एक्यूरेट सही लोकेशन पे इस पर फिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हीट करेंगे, बिना पकड़े ही हम इसको लगाएंगे। जैसे ही सीपीयू के चारों तरफ ये पेस्ट बाहर आनी शुरू होती है तो समझ लीजिए कि ये अपनी सही जगह पे लग चुका है। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हिला भी देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल मामूली सा हिलाना है और ये अपनी जगह पे फिक्स है। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। दोस्तों सीपीयू लगाने के बाद अब इस पे हम रैम को भी फिक्स कर देंगे। वही मेथड है, इस पे हमें पेस्ट लगानी है, इसको हीट करके पूरी रैम पे फैला ले देना है और सीपीयू पे सही लोकेशन पे रख के इसको वापस फिक्स कर देनी है।
रैम को हमने इसके प्रॉपर जगह पे रख दिया है, चारों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट इसकी लाइन लेंथ सब मिली हुई है। अब हम इसको हीट करेंगे। इसमें भी धीरे धीरे देखिए पेस्ट है वो बाहर आनी शुरू हो गई है। और थोड़ा सा इसको हिला देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हिलाना है। अगर आप इसमें आपका हाथ थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, थोड़ी ज़्यादा हिल जाती है, तो फिर इसका झींगा लल्ला होते भी देर नहीं लगेगी। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी इसको हिलानी है, ये अपनी जगह फिक्स हो चुकी है। अब इसको फिर थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये टेप भी हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। बोर्ड को अच्छी तरह से ठंडा करना है। हाँ, ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, यहाँ जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट जहाँ भी बाहर है, कोई थोड़ी बहुत कहीं भी डस्ट है, वो सारी यहाँ से हट जाए। दोस्तों देखा आपने, हमने कितनी साफ सफाई से अच्छे तरीके से सीपीयू को रिबोन कर दिया है। हमारे काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं। अब टाइम है इसकी टेस्टिंग का कि हमें कामयाबी मिली कि नहीं मिली। तो चलिए मिलके चेक करते हैं। ये हमने बैटरी भी लगा दी है, पावर स्विच इसकी फ्रेम के अंदर दिया हुआ है, तो ये पावर स्विच का पत्ता इसमें लगाएंगे पहले। और स्विच है इसका, इस सेट पे जब हमने काम शुरू किया तो फोन ये पूरी तरह चालू था। इसमें प्रॉब्लम जो आ रही थी रिस्टार्ट की, कि जैसे ही इसको हम यूज करते हैं ये हैंग होके रिस्टार्ट हो जा रहा था। फ़ोन जैसे ही पूरा चालू होगा उसके बाद हम इसको टेस्टिंग पे लगाएंगे। इसमें सिम डाल के, वाईफाई से कनेक्ट करके, यूट्यूब चलाकर, जो भी है कैमरे चलाकर कंप्लीट टेस्टिंग इसकी करेंगे बाद में। सबसे पहले तो हमारा ये देखना ज़रूरी है कि फ़ोन हमारा पूरा प्रॉपर चालू हो जाता है कि नहीं। हाँ, ये चालू हो चुका है। स्क्रीन पे पासवर्ड लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें पासवर्ड पता करना पड़ेगा। चलो ये तो आगे की प्रोसेस है इसको कंप्लीट चेक करना। बाकी इसकी जो जो प्रॉब्लम है वो 100% इसकी सॉल्व हो चुकी है। हमारा काम आपको दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।
हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। अब तो देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों हमें तो कहने में कोई वैसे भी झिझक नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।